हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बायोम। बायोम जो एक छोटा सा टॉपिक था, हमने जो फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ा था, उस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि बायोम का मतलब क्या है। बायोम इज अ मास ऑफ लाइफ। हमें सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी कि बायोम क्या है। पूरी जो लाइफ है उसका एक मास है, फिर कलेक्शन है, ठीक है। तो आज हम इसके अगर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो वो कहलाती है कि जितना भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जितना भी टेरेस्ट्रियल एरिया है, जितना भी हमारा टेरेस्ट्रियल एरिया है, उस टेरेस्ट्रियल एरिया पे जितना भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है, क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमें जो देखने को मिलता है उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स सारे मिला दो, अगर उसमें हम प्लांट्स प्लस एनिमल्स सब कुछ मिला दें तो हमारा वो कलेक्टिवली क्या कहलाता है, बायोम ही कहलाता है। तो बायोम की जनरल डेफिनेशन क्या हुई, इट्स अ मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल एरिया विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड अ बायोम। और इसी वजह से हम इसे बायोम को एक मेजर इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इट्स अ मेजर इकोसिस्टम। एंड अगर हम बात करें बायोम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, तो बिल्कुल सिंपल एंड बहुत ही ईजी, बायोम सिर्फ दो टाइप्स का होता है। कितना, सिर्फ दो टाइप्स का होता है। एंड कौन सा होता है, एक होता है टेरेस्ट्रियल बायोम एंड सेकंड वन इज एक्वेटिक बायोम। एंड वही आपको पता ही है, एक्वेटिक में हम उसको टू कैटेगरीज में और डिवाइड करते हैं, इसको फ्रेश वाटर एंड मराइन। एंड अगर हम बात करें कि टेरेस्ट्रियल बायोम के अंदर क्या क्या आता है, जो बहुत सिंपल जो आप सबने पढ़ा होगा, क्या ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ये सब चीज़ें आपने शुरू से ही पढ़ी हैं कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट कैसे हैं, टेम्परेट ग्रास लैंड कैसी है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने यहाँ पे 5 ट्रॉपिकल बायोम लिखे हैं, टाइगा, टुंड्रा, ट्रॉपिकल, टाइगा, टुंड्रा, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड डेजर्ट। होते हैं टोटल 9, लेकिन मैंने लिखे हैं 5। क्यों? क्योंकि हम आगे ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट की अलग से डिवीज़न शो करेंगे। ओके, अगर हम बात करें पहले टाइगा की, जो टाइगा है, टाइगा को कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी बोला जाता है, मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट का दूसरा नाम रख दिया गया टाइगा। एंड जो ऐसे फॉरेस्ट हैं ये हिमालयस में मिलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, कहाँ मिलते हैं, हिमालयस में, तो आप इजीली समझ सकते हो कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट कैसा होने वाला है, कोल्ड। अगर हम बात करें कि यहाँ पे किस तरह के ट्रीज मिलते हैं, तो यहाँ पे नीडल शेप के लीव्स मिलते हैं, नीडल लीव, आपने सुना ही होगा, नीडल लीव आपने पढ़ा ही होगा BSC में, ठीक है। ये सब चीज़ें कि जो लीफ होता है, लीफ की शेप जस्ट नीडल लाइक होती है, नीडल लीव्ड एवरग्रीन कॉनिफेरस यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं। ओके, एंड जो टाइगा है, सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक मेजर सोर्स है किसका, टिम्बर का, मेजर सोर्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर का, टिम्बर वुड है, टिम्बर का मेजर सोर्स कहाँ मिलता है, टाइगा में ही मिलता है, सपोर्ट कॉनिफेरस फॉरेस्ट में मिलता है। एंड ये सब चीज़ें होने के वजह से, एवरग्रीन होने की वजह से यहाँ पे फूड काफ़ी अबंडेंट है। सो फूड की अबंडेंस होने की वजह से यहाँ पे हर तरह के एनिमल्स एंड इंसेक्टिवर्स बर्ड्स मिलते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा फूड होगा उतने ज़्यादा ही वहाँ पे एनिमल्स आके रह सकते हैं, इजीली रह सकते हैं। तो सम लाइक कुछ भी इंसेक्टिवर्स बर्ड्स हमें मिलते हैं मैमल्स में, लाइक रैबिट्स, डियो, माउस, बियर, सब चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं। अब सेकेंड हम बात करें टुंड्रा की, तो टुंड्रा एक ऐसी लाइन है जिसके बाद कोई ट्री नहीं मिलता है। तो ये मैंने लिखा है, इट्स अ ट्री लाइन बियॉन्ड विच देयर इज नो ट्री, ऐसी लाइन, एक ऐसी जगह जिसके बाद कोई और कोई भी ट्रीज नहीं मिलते, इट्स अ लास्ट स्टेप, है ना। तो टुंड्रा जो है दो तरह का होता है, टुंड्रा दो होता है, एक होता है आर्कटिक टुंड्रा एंड एक होता है अल्पाइन टुंड्रा, एक होता है आर्कटिक टुंड्रा, एक होता है अल्पाइन टुंड्रा। जो आर्कटिक टुंड्रा है, आर्कटिक टुंड्रा उसे बोलते हैं जो हमारी लैंड है, लैंड पे जो ट्रीलेस बैंड है ना, उसे बोलते हैं आर्कटिक टुंड्रा। मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, इट्स अ ट्रीलेस बैंड ऑफ लैंड, लैंड पे हमारी जितनी भी ट्रीलेस जो बैंड बचा है, जो बैंड रहेगा, जितना भी एरिया रहेगा, वो सारा आर्कटिक टुंड्रा कहलाता है, ठीक है। एंड वही हम बात करें अल्पाइन टुंड्रा, तो अल्पाइन टुंड्रा ये जो है हाई एल्टीट्यूड्स पे मिलता है, ठीक है, ये कहाँ मिलता है, एट हाई एल्टीट्यूड से मिलता है। ये
ये तो हो गया कि लैंड की कहीं भी ट्रेडस बैंड पे होता है, ठीक है, वो वहाँ उसे हम क्या कहेंगे, आफ्टरवुडर कहेंगे। लेकिन एल्पाइन होता है जो कि हाई एल्टीट्यूड्स पे मिलेगा। बात एक ही होती है कि ऐसी लैंड जिसके बियॉन्ड कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता वो टुंड्रा ही कहलाता है। फिर अभी इसको दो में डिविजन कर दिया क्योंकि ये तो लैंड की पूरी बात हो गई एंड ये हो गई सिर्फ हाई एल्टीट्यूड्स पे, एग्जाम्पल माउंटेन्स पे, हिमालयस में, ठीक है। और अगर टुंड्रा पे अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो अब हम इकट्ठा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है काफ़ी कोल्ड होता है, क्या होता है, काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट होता है। एंड अगर एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें, मतलब रेनिंग की बात करें, तो वो थोड़ी लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। एंड वही अगर बात करें इसकी वेजिटेशन की, जैसे हमने यहाँ पढ़ी, इसमें वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट, इसमें फूड काफ़ी अबंडेंस में है, ठीक है। तो वहाँ पर इसी तरह यहाँ भी वेजिटेशन है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर कुछ लाइकन्स मिलते हैं, लाइकन्स, मॉस, ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब बात करें अगर अल्पाइन और आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा की, तो यहाँ पे थोड़ी इनकी जो डिवीज़न है वो अलग अलग है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। लाइक अल्पाइन की बात करें तो अल्पाइन में लाइकन्स एंड मॉसेस थोड़े कम मिलते हैं, बजाय कि इसके इसमें थोड़े लाइकन्स और मॉसेस ज़्यादा मिलते हैं, इसमें थोड़े कम मिलते हैं। दोस्त डायरेक्ट लिख देते हैं कि यहाँ पे लाइकन्स एंड मॉसेस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे हर तरह के एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, सबसे मोस्ट कॉमनली यहाँ पे इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, बर्ड्स भी हैं, मैमल्स भी हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे हमें नोट करना है कि यहाँ पर कोई भी एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स नहीं मिलता। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स यहाँ पे नहीं मिलते, ये बात हमें नोट डाउन करनी है। यहाँ पे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स मिलेंगे, लेकिन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। अब अगर बात करें डेजर्ट की, हमने पढ़ा टाइगा, टुंड्रा, अब हमने ये बीच में दो छोड़ दिए क्योंकि इसके आगे फर्दर डिविजन्स हैं जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम आसानी से हम चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हमारी एक ही बार में कवर हो जाए। तो बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट के बारे में आप सबको पता ही है कि डेजर्ट में सबसे लो रेनफॉल होती है, ठीक है, वाटर की डेफिशिएंसी होती है। दो तरह के डेजर्ट होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट होता है, एक हॉट डेजर्ट होता है। वहीं अगर हम बात करें डेज की, तो डेज में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है एंड नाइट में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। और यहाँ पे सैंडी सोइल देखने को मिलती है, होती है ना। और सैंडी सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सैंडी सोइल की सोइल पोरोसिटी ज़्यादा होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज की कम होती है। एंड यहाँ पे जो प्लांट्स की बात करें, तो यहाँ पे प्लांट्स, सकलेंट्स प्लांट्स मिलते हैं, ऐसे प्लांट्स जो अपने अंदर वाटर को रिस्टोर कर सकें। एंड कुछ नॉन सकलेंट प्लांट्स मिलते हैं जो वाटर के रिडक्शन नहीं होने देते। अगर बात करें हम मैमल्स की, एनिमल्स की, तो यहाँ पे ऐसे मैमल्स मिलते हैं जो अपने आप को वाटर की कमी में भी अपने आप को अडेप्ट कर सकें, वाटर के इसमें अडेप्शन होते हैं उनके अंदर, है ना। जैसे कि कंगारू रेड होता है, ये रेड बीच, ये सब चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि ये इतना वाटर, क्योंकि ये अपने वाटर के नीड्स जो है अपने मेटाबॉलिज्म से कम्पीट कर लेते हैं। वहीं यहाँ पे प्रीडेटरी बर्ड्स मिलते हैं, ऐसे प्रीडेटरी बर्ड्स मतलब जो यहाँ से प्रीडेट कर सके, कहीं आ जा सके, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में जो आप माइग्रेट कर जाएँ, कुछ ऐसे बर्ड्स मिलते हैं यहाँ पे। लिजार्ड्स यहाँ पे कुछ पेट्स में, लिजार्ड्स वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं, और ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाते हैं जो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, इतने एडवर्स कंडीशन में, इतने एरिड कंडीशन में भी। सो हमने अभी तीन पढ़ लिए एंड अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पे फाइव ही लिखे, लेकिन एक और होता है, एक होता है चपारल, चपारल, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई थी। टोटल छः डिविजन्स थी इसकी, ठीक है, हमने यहाँ पे तीन पढ़ी, अब हम तीन आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चपारल ही पढ़ लेते हैं। तो जो चपारल है ये सब ट्रॉपिकल नेचर का होता है, एग्जैक्ट ट्रॉपिकल नेचर का नहीं होता, सब ट्रॉपिकल नेचर का होता है, ओके, सब ट्रॉपिकल नेचर का होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, नॉर्मली रेनफॉल जो है समर्स में अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे जो रेनफॉल है वो विंटर्स में देखने को मिलती है। एंड जो समर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हॉट होता है। अब सिंपल बात है, विंटर्स में रेनफॉल हो रही है तो समर तो काफ़ी ड्राई एंड हॉट ही जाएगा, है ना, एंड काफ़ी लॉन्ग भी होता है। इसी वजह से, इन दो कारणों की वजह से यहाँ पे जो ग्रोइंग सीजन है किसी भी चीज़ का, किसी भी वेजिटेशन का जो ग्रोइंग सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, इट्स वेरी वेरी शॉर्ट। अगर बात करें यहाँ पे एक मेन चीज़ है चपारल में फायर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पे कभी भी फायर लग जाते हैं, एक सो कॉल्ड फॉरेस्ट फायर, यहाँ पे जो फायर्स है वो मोस्ट कॉमन होती है।
ठीक है। एंड यहाँ पे हम सोच रहे होंगे कि फायर हो गई तो फायर से तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फायर होने का एक मेन कारण है, यहाँ पे जो फायर है वो एक एक्ट एज वो एक डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करती है, इसकी तरह डिकम्पोजर की तरह करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितना भी लीटर पड़ा हुआ है, जितना भी ओल्ड लीटर पड़ा हुआ है जो डिकम्पोज नहीं हुआ, तो वहाँ पे फायर डिकम्पोजर की तरह एक्ट करके उस लीटर में से जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रिलीज़ करती है। एक्ट एज डिकम्पोजर टू रिलीज मिनरल्स फ्रॉम लीटर या फिर को ओल्ड लीटर जो पुराना वहाँ पे पड़ा है जितना भी लीटर। सो इन दिस सो ओल्ड मतलब एग्जैक्ट हम कंक्लूजन क्या निकालने कि जो फायर है, फायर एक ऑलमोस्ट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज ही कर रही है ना, क्योंकि वो मिनरल्स निकाल रही है जो सोइल में जा रहे हैं एंड आके प्लांट्स को यूज़ अप होएंगे। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो फायर है वो ऑल ओवर क्या कर रही है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है बाय रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, एंड जो यहाँ पे अगर समर फायर लगेगी तो चपारल के एक्सटेंशन में काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगी। अगर समर में फायर हो जाती है तो इसके एक्सटेंशन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो फेवरेबल होती है। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जो कि ड्रोट रेजिस्टेंट हो, किसी बात है कि फायर कभी भी लग सकती है, तो सिंपल बात है वहाँ पे अकाल वगैरह पड़ जाएगा है ना, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में तो वहाँ तो सिर्फ ऐसे एनिमल्स रह सकते हैं जो कि ड्रोट रेजिस्टेंट हो। तो ऐसे एनिमल्स जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे ऐसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं सो कॉल्ड ड्रोट रेजिस्टेंट। लाइक कुछ बात कर लेते हैं रेप्टाइल्स में लिजार्ड स्नेक्स की, ये काफ़ी अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, ये ड्रोट रेजिस्टेंट होते हैं। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक चपैरल का।